घर से कहीं दूर, खुले आसमान में अकेले, ऊंचे पहाड़ों के पास, किसी नई जगह, कुछ नए लोगों के साथ। इन झीलों को देखते हुए कितना अच्छा लगता है ना, इन झरनों के पानी में और वो सूरज की आखिरी किरणों के साथ उस दिन की खत्म होती कहानी में कितना अच्छा लगता है ना। वैसे तो आज सिक्किम में मेरा पहला ही दिन था, लेकिन बस ईस्ट की एक झलक ने और कुछ नए दोस्तों की दोस्ती ने पहले ही मेरे दिल में घर कर लिया था। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी तकरीबन 8:15 हो चुका है और हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है। तो अभी यहाँ से क्या है, इनकी गैंगटॉक से मुझे जाना है बाजरा। तो गुरुद्वार मार्ग लेकर अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बिकॉज परमिशन वगैरह बनानी पड़ती है और शेयर टैक्सीज और वहाँ से बुकिंग वगैरह। तो बेटर कि किसी के थ्रू करवा लो, मैंने भी किसी के थ्रू करवाई है। अभी फ़िलहाल उन्होंने बोला है कि रात को आईडी वगैरह मैंने उनको सेंड कर दी थी, तो आई होप उन्होंने परमिशन बना ली हो। उन्होंने मुझे बोला कि बाजरा जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पहुँचना है 10 बजे तक। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। होटल के बारे में बताना चाह रहा था आपको, होटल बहुत ही एवरेज था, मतलब बिलो एवरेज था, देख लेना। हमने तो बहुत ही चीप मिला था इसलिए ले लिया, क्योंकि वॉशरूम और खाना उतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना। बाकी तुम एक्सप्लोर कर लेना। तो गाइस हमने महाराजा करके एक रेस्टोरेंट है, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो ये बिल्कुल एमजी मार्ग के लास्ट में जहाँ पर वो बियर की स्टैचू है वहीं पर पड़ता है। तो काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे लोग स्वीट्स वगैरह खाने आते हैं, तो हमने भी यहाँ पे खाया। काफ़ी चीप था, इकोनॉमिक था और अच्छा था, टेस्टी काफ़ी अच्छा था। मैंने पूरी और सब्जी खाई, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ से आगे गोपाल भाई को हमें कर देंगे बाय बाय, बिकॉज ये लोग ये जाने वाले हैं वापस और हम जाएंगे बाजरा के लिए, ठीक है गोपाल भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गए। तो गाइस अभी सीन ये है कि प्लान में एक छोटा सा चेंज है, तो अभी मैं पहले फिलहाल बाजरा पहुँच जाता हूँ। वहाँ जाके पहले टैक्सी वाले को बात कर लेता हूँ, उसके बाद एक होटल भी लेना पड़ेगा मुझे वहाँ पे, फिर मैं वहाँ पहुँच के जाता हूँ क्या प्लान है चीज़ है। सो भाई जो मेरे पीछे देख रहे हो ये यहाँ का लोकल टैक्सी स्टैंड है। आपको बाजरा जाना है तो आप यहाँ आइए, यहाँ से शेयर टैक्सी चलती है, इसका किराया आपको 50 रुपये पर हेड पड़ेगा। टैक्सी ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। एक्चुअली बाजरा जो है ना, ये इस मॉल का नाम है जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। यहाँ पर KFC वगैरह भी है। तो गाइस थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद, थोड़ा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स के बाद मैं फाइनली टैक्सी में बैठ गया हूँ और हम लोग निकल गए यहाँ से। पहले हम नाथुला पास जाने वाले हैं। सो आपको एक चीज़ बतानी थी, अगर आप लोग आ रहे हो जनाब गैंगटॉक में, होटल स्किप कर सकते हैं, आप चाहो तो बाजरा में ले लीजिए। बिकॉज अगर आपको यहीं से टैक्सी में जाना है नेक्स्ट डे, तो आप यहाँ होटल लेने का रीज़न इसलिए है क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया है रेट जो है काफ़ी सस्ते हैं गैंगटॉक से, है ना, नीचे मतलब जो नीचे MG मार्ग है वहाँ पर से। तो फिलहाल हमने यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर दिया है और हमारे साथ कुछ नए साथी भी जुड़े हुए हैं। भाई कहाँ से आए आप लोग? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर? MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग अलग देश के क्षेत्रों से आए हुए हैं भाई लोग। आप लोग फर्स्ट टाइम आए हुए यहाँ? हाँ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हैं और काफ़ी इन्जॉय होने वाला है साथ में, क्योंकि भाई लोग बड़े चिल वाले हैं लग रहे हैं। पहली दोस्ती हो गई हमारी स्टार्टिंग में। तो भाई ये हमारे ड्राइवर साहब आज के, जो आज हमें घुमाने वाले हैं, दीपक भाई। दीपक भाई चेहरा दिखा दो, पब्लिक चेहरा देखने आती है। ये चश्मा बड़ा शानदार है तुम्हारा यार, मजा आ गया। अच्छा आप कहाँ से हो दीपक भाई, थोड़ा अपने बारे में बताओ। इधर ही है, गैंगटॉक से ही हो? अच्छा जी, मुझे तो लग रहा था नेपाल साइड के हो। दूसरा वाला भैया नेपाल का था ना, वो जो दूसरा? नेपाल से गया नहीं मैं अभी तक, लेकिन यहाँ के लोग तो नेपाल बहुत पसंद करते हैं। नेपाली जाना बहुत है। बीच में जहाँ पर आपका पास चेक होता है उससे थोड़ा सा आगे आपको 10 रुपये की एंट्री टिकट लगेगा, जो कि आपको देना पड़ता है चाहे आप पैकेज में हो या फिर अकेले आ रहे हो। इसके बाद से एक और चीज़ अभी दीपक भाई ने बताया कि ऊपर जो है नेटवर्क नहीं आते हैं, तो अगर आप लोग अलग अलग आ रहे हो तो यहीं से कोऑर्डिनेट कर ले। चलिए चलते हैं सीधे नाथुला पास और फिर वहां से आपको दिखाते हैं क्या अमेजिंग दृश्य। सो गाइस बाजरा से तकरीबन 15-18 किलोमीटर के बाद यहाँ पर कंचनजंगा का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। सो गाइस कंचनजंगा के बारे में तो आप जानते होंगे, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसकी हाइट जो है वो 8,586 मीटर के आसपास है। इसके मेरे पीछे देख रहे हो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। आज हमारा किस्मत बहुत अच्छा है, बिकॉज वेदर बहुत क्लीन है, इसलिए क्लीन दिख जा रही है यहाँ से जो चोटी है। तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, मतलब सिक्किम आने का सबसे फर्स्ट जो अट्रैक्शन पॉइंट मुझे लग रहा है यहाँ पे। मुझे जो एक होता है ना कि अभी तक तो कल रात पहुँचा था तो सब कुछ अंधेरे में था, कुछ दिख नहीं रहा था। आज मॉर्निंग में MG मार्केट घुमा, उसके बाद फिर अभी टैक्सी से जब यहाँ पहुँचे तो अब लग रहा है कि कहीं आया हूँ और थोड़ा फीलिंग एक आने लगा, वाइब्स आने लगी है। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं अभी नाथुला पास से और अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। तो भाई लोग कैसा लगा फिर तुम्हें कंचनजंगा देख के? एक नंबर, एक नंबर।
मजा आ गया है पूरा एकदम चढ़ी जाए चढ़ी जाए कल से भी तो कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है कि मजा अब जाके वर्थ लग रहा है, वर्थ लग रहा है ना अब जाके, अभी आई थिंक ऊपर जाके और मजा आने वाला है, ऊपर जाके और मजा आने वाला है। इसके बारे में तो पता होगा ना, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है और अपने इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट है K2, ये बात। तो चलिए चलते हैं, आप सीधा भाई का चैनल सब्सक्राइब करो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब ज्यादा जरूरी है। चलें फिर, चलो चलो आगे भी चलना नाथुलाबाद। अरे दीपक भाई पायलट साहब, अरे सर चल निकालो विमान निकालो। तो यहाँ पे आपको चाय कॉफी की व्यवस्था भी मिल जाएगी, तो अगर अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं तो यहाँ पे। अच्छा भैया ये रेंट पे या फिर खरीदने पे? ये खरीदने वाले रेंट वाले? अच्छा क्या रेट है इनके, क्या रेट है इनका? 200 है। अच्छा सब अपना 150 करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब 200 के आसपास है जी। तो मतलब आप चाहो तो यहाँ से टोपी वगैरह अगर आप भूल के लाना तो ले सकते हो, चाय कॉफी भी अवेलेबल है। क्या नाम है भैया आपका? आप यहीं के लोग? जी यहाँ का फॉर्मल का। ठीक है, थैंक यू भैया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नाथुला पास का जो टाइमिंग होता है ना वो फिक्स रहता है कि आपको 5 बजे के से पहले पहले आपको जो बॉर्डर है जहाँ से एंट्री थी वो क्रॉस करनी होती है, इसलिए जल्दी जल्दी करना होता है बिकॉज रस्ते में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे आपको, झरने वगैरह और जैसे कंचनजंगा पॉइंट था, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। बट कोशिश करिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज जो मेन टाइम आप स्पेंड करो नाथुला पास में और जो बाकी छंगू लेक है और बाबा मंदिर है वहाँ पे, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और अभी फिलहाल हम सोना मिल करके एक जगह है वहाँ पे रुके हुए नाश्ता करने के लिए, तो अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आते हो तो आप वहीं से नाश्ता करके आ जाओ बैठने से पहले, तो आपका टाइम ऑलमोस्ट सेव हो जाएगा। आता हूँ मैं तो बड़ा गाड़ी भी लेके आता हूँ। बड़ा गाड़ी कौन सा? रॉक वगैरह। पहले का साल में दिसंबर टाइम में फंस गया। तो भैया बता दें कि 700 गाड़ियाँ यहाँ फंस गई थी बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, गाड़ियाँ जा नहीं पा रही थी। उन पूरी 700 गाड़ी में जितने पैसेंजर थे, जितने भी लोग थे, सबका स्टे इंडियन आर्मी ने यहाँ करवाया था। इंडियन आर्मी, बिल्कुल इंडियन आर्मी को सल्यूट यार इस बात के लिए। और बाकी यही है कि अगर आप स्नो में आ रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान में रख के आनी। अरे दीदी ये बताओ आप यहाँ पे कितने की मिलती है जैकेट रेंट पे? जैकेट 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ रेंट पे? और अगर खरीदनी हो तो? खरीदने तो 1500-1200 ऐसे में मिलता है। ये जो टंगी हुई है यही है? हाँ। सो गाइस अगर आप जैकेट लाना भूल गए हो या नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ से 100 रुपए में रेंट पे ले सकते हो जैकेट वगैरह, क्योंकि ऊपर नाथुला पास में ठंड काफी होती है। तो दीदी की दुकान से आप रेंट पे ले लेना यहीं पर। दीदी क्या नाम है आपकी दुकान का? हमारा गाँव का। हाँ इस जगह का नाम क्या? मोसला है। मोसला कैमोसला ये हो गया। और दीदी खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में मोमो मैगी ब्रेड ऑमलेट सभी मिलेगा। राइस मोमो मैगी ब्रेड ऑमलेट राइस। सिक्किम आके मोमो ना खाया तो क्या फायदा सिक्किम आने का? आगे मोमो बहुत फेमस है। सही है वाकई। सो गाइस आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी थी कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो चिंता मत कीजिए, यहाँ पर ठेगू में एक ATM अवेलेबल है जहाँ पे आप कैश निकाल सकते हैं। अभी जो साथ में हमारे लड़के आए हुए हैं वो भी कैश निकालने गए हैं, तो क्योंकि ऊपर जो है ना यहाँ पे गूगल पे वगैरह बहुत कम चलता है, जितनी भी दुकानें वगैरह हैं वहाँ पे आपको कैश ही देना होता है। सो गाइस हमने जो मेन चेक पोस्ट होता है नाथुला पास का वहाँ पे अपना पास वगैरह वेरीफाई करवा लिया है। अब यहाँ से जो नाथुला पास है एग्जैक्ट वो 7 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ से बिल्कुल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है बिकॉज पूरा आर्मी का एरिया है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड वाला एरिया है। तो सो गाइस ये वो पॉइंट है जहाँ पे टैक्सी वाले उतार देते हैं, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, पीछे जो आप देख रहे हो ना वहाँ से पूरा पैदल जाना पड़ता है। फिर वहाँ आगे कैमरा अलाउड है नहीं है मुझे नहीं पता, इसलिए टैक्सी अगर होगा तो देखेंगे। सो गाइस अंदर जो था फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, इवन जो जब टॉप मेन टॉप पर पहुँच जाते हो वहाँ पर आप मोबाइल भी नहीं निकाल सकते हो। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था, जैसे ही आप जो मेन स्टीप है वहाँ से चढ़ते हो मेन पॉइंट की तरफ तो एकदम से एल्टीट्यूड एकदम से गेन होता है, तो आपका मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है और ठंड बहुत तेज़ लगने जाती है। और कई सारे लोग बिल्कुल एक एक कदम के बाद रुक के रेस्ट कर रहे थे, वो थोड़े से ना मूवमेंट के लिए 5 से 10 मिनट के मूवमेंट के लिए कुछ अलग सा फील लगने लगता है, मेरी तो हार्ट बीट भी बहुत तेज होने लगी थी, कुछ अलग सा लगा था। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि आप जब वहाँ पहुँच जाते हो आप बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर होते हो। मैं भी अपने फर्स्ट टाइम लाइफ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर इतने नज़दीक से पहुँचा और देखा मैंने, और जैसे ही वहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे साथ में चाइनीज़ की भी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी थे, और वहाँ पे सोल्जर भी खड़ा था चाइनीज़ का। ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है इंडिया में आता है, इसके पीछे चाइना है। इवन जो आप उधर सीमेंटेड वाला पार्ट देखोगे ना वो चाइना के एरिया में आता है। इवन इस पहाड़ में जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी, इसके भी थोड़ा सा तकरीबन 100 मीटर ऊपर
एक वो बॉर्डर लाइन लगी हुई है जिसके पीछे चाइना है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ पहुँच के इंटरनेशनल बॉर्डर में और बहुत सारी चीज़ें देखी। सो गाइस तो यही पॉइंट है जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो, तो इतने में ही अलाउड है। यहाँ पे लोग कई सारे लोग आके हमें फोटो वगैरह खींचते हैं कि हम यहाँ पर आए थे एक यादगार के तौर पर, तो भाई लोग भी फोटो खींच रहे, अलग ही पोज दे रखी है वहाँ, अलग ही राजू वाली। सो गाइस जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तो वहां से आपको दो पीक दिखते हैं जो कि भूटान के एरिया में आते हैं। चुमुलरी पीक था ना, तो हमने वहां पे पूछा था आर्मी ऑफिसर से कि वो पीक का नाम क्या है। चुमुलरी पीक है, काफी चाइना में, चाइना भूटान में बोला था, भूटान सॉरी भूटान बॉर्डर में लगता है। काफी अमेजिंग लग रहा था और मैं पूछना चाहूंगा अपने दोस्तों से कि कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल बॉर्डर में, मुझे काफी अच्छा लगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल बॉर्डर में, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा डिजीनेस लगा क्योंकि हाइट थोड़ा एल्टीट्यूड गेन हो रहा था, तो थोड़ा उसमें थोड़ा सांस लेने का इशू मेरे को लगा। बाकी कुछ देर बाद स्टेबल हो गए, बाकी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर में था, बहुत अच्छा लगा। ये भाई तो इतने स्टेबल हो गए थे, नीचे आके सीधे राजू वाला पोर्ट, राजू वाला पोर्ट पता नहीं इनका फेमस हो गया है, आपस की गड़ी चल रही है मेरे को वाला। तो भाई पोर्ट पे पहुंच दिए जा रहे हैं मस्त अंडे एकदम। बस हम चलते हैं अपने ड्राइवर को ढूंढते हैं और अब सीधे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो गाइस ये हम लोग पहुंच गए हैं बाबा जी के मंदिर में और यहाँ पे पीछे पार्किंग रहती है और पार्किंग का जो चार्ज रहता है टूरिस्ट से लिया जाता है, अभी 30 रुपये हमने भी दे दिए हैं। अभी हमने यहाँ पे एक सोल्जर से बात करी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, उन्होंने काफ़ी स्टोरीज बताई यहाँ की और अपने बारे में बताया, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी बिकॉज ये उनके रूल में नहीं होता ज़्यादा डिटेलिंग बताना, बट स्टिल उन्होंने बाबा जी के बारे में बताया कि बाबा जी कभी 1965 की, यह बहुत पुरानी बात है, जब वो पोर्टर्स के साथ आ रहे थे अपनी एक छोटी सी टीम लेके, तो एक नाले में वो बह गए थे, तो उनको उनको वो बहुत काफ़ी टाइम तक वो मिले नहीं थे, तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था उस ज़माने में। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि बाबा जी अपने जो कलीग होते हैं ना, बैचमेट होते हैं जो पास आउट होते हैं एक साथ, तो उनके सपने में आए थे, उनको बताया कि यहाँ बॉडी मिलेगी, तो जब लोगों ने ढूंढा तो वहाँ एक्चुअली में बॉडी मिली। और उसके बाद से बोलते हैं कि बाबा जी जो है यहाँ के जो पूरी एरिया है उसको गार्ड करते हैं, और अभी भी बाबा जी के जब बाबा जी छुट्टी पर जाते हैं, उन्होंने बताया, अब तो फिलहाल नहीं जाते हैं, बट 2012 या 2017 तक उन्होंने बोला था कि वो जाते थे छुट्टी पर, तो यहाँ पर ये लोग हाई अलर्ट पर रहते थे बिकॉज ऑफ बाबा जी यहाँ पर छुट्टी पर गए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जिस मंदिर पर यहाँ पर आपको लेकर आएंगे, जहाँ पर हम आए हैं अभी जो मैंने दिखाया आपको, ये एक्चुअली मंदिर नहीं है, ये बाद में नया बनाया गया है। जो एक्चुअल मंदिर है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मेरे सामने पहाड़ी है उसकी चोटी पे माना जाता है उसका जो बाबा जी का एक्चुअल मंदिर है, और वहाँ पे भी कई लोग जाते हैं और वहाँ पे भी प्रॉपर इसी तरह से जैसे यहाँ पे मेंटेन होता है वो भी सारी चीज़ें मेंटेन होती है। इवन वहाँ पे इंडियन आर्मी भी है और कई टूरिस्ट वहाँ तक भी जाते हैं, बट अधिकतर टूरिस्ट यहीं तक आते हैं। मेरा नाम समीर है। समीर भाई ने बहुत हेल्प करी, थैंक यू सो मच समीर भाई, मिलते हैं कभी ऐसे घूमते फिरते। ओके भाई। सो गाइस अब बाबा मंदिर के बाद अब आ गए हैं छंगू लेक। जैसे कि आप देखोगे जाते वक्त इस लेक पूरी क्लियर थी और अभी हम आए हैं तो यहाँ पे पूरे क्लाउड से लग गए हैं, बड़ा अमेजिंग लग रहा है, ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपने देखा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे रश तो बहुत ज़्यादा है मेन, यहाँ पे याक वगैरह की सवारी वगैरह हो रही है, अभी हम प्राइस वगैरह पता करके आपको बताते हैं। एकदम से वेदर चेंज हो गया है और बहुत तेज़ ठंडी हो गई है, और जो याक का मैं पता किया मैंने यहाँ पे, अगर आप याक के साथ आपको फ़ोटो खिंचानी है तो आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो। अगर आपको सवारी करनी है तो 500 में आपको ये थोड़ा एक आध चक्कर वहाँ से मतलब ऐसे रोड का लगा के आएंगे। बाकी यार यहाँ पे ऐसा कुछ खास तो है नहीं। सो गाइस यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है भोले बाबा का, तो चलिए चलते हैं अंदर और भोले बाबा के दर्शन करके आते हैं। ये थी यहाँ पे छंगू लेक और यहाँ पे याक की सवारी,
और कुछ तो खास यहाँ पे इसके अलावा है नहीं। और फिर मौसम भी चेंज होते जा रहा है, ठंड बढ़ गई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बारिश भी हो सकती है, और लेक भी अभी थोड़ी विजिबल है नहीं, तो इतना टाइम स्पेंड करने का फ़ायदा नहीं है। हमने अभी लंच भी नहीं किया, तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे लंच करने जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अभी लंच करेंगे, उसके बाद फिर गैंगटॉक में मैं एमजी मार्क आपको लेके चलूंगा। यक और भैंस है ना, वो बहन और दीदी और बहन है वो दोनों। अच्छा। वो नीचे गर्म से ना, यक ने बोला वो मुझे गर्म और ठंडी जगह में जाके बैठना है, और उसी टाइम से यक वो जो वो क्या बोलो भैंस का कपड़ा हो ना वो यक को देता है, और इसीलिए यक का बड़ा ज्यादा भगतला होता है। अच्छा। सॉरी वो उसका भैंस का नहीं होता है, पूरा कपड़ा यक को देता है। तो गाइस यहाँ पे अंकल जी ने हमारे लिए आग जला दी है, बहुत तेज की ठंडी हो रही थी। अंकल जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? दवा सर। दवा सर जी ने हमारे लिए बहुत बड़ी आग जगा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेज की ठंडी हो गई थी, लोगों के पिछवाड़े अगाड़े सब जम गए। सो गाइस अभी ठंडी में पता नहीं लग रहा है क्या खा रहे हैं, लेकिन जो भी खा रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, और भूख इतनी तेज लगी है ना, मतलब लग रहा है। ये बात बोली भाई ने। सो गाइस लंच करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे, तो यहाँ पे जो है एक मंदाकिनी फॉल्स पड़ता है, तो वहाँ पे हम दो मिनट के लिए रुके हैं फोटो खिंचाने के लिए, बिकॉज टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 5 बजे का तक का परमिट है। तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ और दो चार फोटो खींच लेता हूँ। फोटो देखने के लिए तो आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आईडी यहाँ पर आ रही। इन झरनों के पानी में और वो सूरज की आखिरी किरणों के साथ उस दिन की खत्म होती कहानी में कितना अच्छा लगता है ना। सो गाइस मंदाकिनी फॉल के बाद अब हम जा रहे हैं सीधे गैंगटॉक, बिकॉज अंधेरा भी हो गया, तो अभी कहीं रुकने का पॉइंट नहीं है, बट व्यूज काफी अच्छे दिख रहे हैं, और प्लस हमको 5 बजे से पहले वो जो एरिया है वो बॉर्डर एरिया चेक पोस्ट को क्रॉस करना है, तो इसलिए हम सीधे गैंगटॉक ही रुकेंगे। तो मैं मिलता हूँ सीधे आपको गैंगटॉक में, और नेक्स्ट जो है अभी मैं पहले जो रूम लिया था आपको बताने वाला हूँ, मैंने वहीं पे एक रूम लिया था, वहीं जाके इन्फॉर्मेशन दूंगा उसकी। सो गाइस फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल में, और ये जो होटल है बिल्कुल टैक्सी स्टैंड के पास में था, क्योंकि जब मैं सुबह वेट कर रहा था अपनी टैक्सी का, तो मैंने यहाँ पे आसपास होटल्स वगैरह एक्सप्लोर करे थे, तो मुझे ये चीप समझ में आया, बिकॉज 700 रुपये का रूम पड़ गया है, और नीचे भी कलम जब रहे थे तो वहाँ पे भी इसी सेम प्राइस था, तो मुझे कल टैक्सी भी यहीं से पकड़नी है, तो मुझे लगा यहीं ले लेना चाहिए। और बेसिक सा रूम है, छोटा सा रूम है, और वॉशरूम भी ठीक ठाक है, और गीजर है, तो क्या चाहिए, एक रात ही तो काट दी है। तो फिलहाल अभी का प्लान ये है कि जो नए दोस्त बने हुए हैं हमारे साथ, जो नाथुल्ला पास गए थे, अभी हम लोग MG रोड जाने वाले हैं, वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे मार्केट, और साथ ही साथ में थोड़ा बाहर खाना पीना भी है, डिनर बाहर ही करेंगे, और उसके बाद वापस आ जाएंगे। सो अभी मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। भाई ये है मेरा पीछे होटल, बिल्कुल एकदम मेन रोड के बगल में है, और मैं अभी रेडी हो गया हूँ गैंगटॉक जाने के लिए, मतलब नीचे MG मार्ग जाने के लिए। गैंगटॉक से ऐसा लगता है कि गैंगटॉक दूर का, हालांकि ये क्या, तो बेसिकली ये मेन रोड है जो टैक्सी स्टैंड से आ रही है, और बिल्कुल इसके बगल में ही होटल है जहाँ मैं रह रहा हूँ। सो गाइस लौंडे निकल गए हैं MP, UP और उत्तराखंड के सिक्किम के गैंगटॉक मार्केट में धमाल मचाने के लिए, MG मार्ग के लिए। लौंडे टशन में है, लौंडे टशन में है, पाउडर क्रीम लगा के एकदम फुल। इस तरह चलते चलते मार्केट यहाँ पे एंड हो जाती है, लास्ट यहाँ पे बियर्ड का, यहाँ पे काफ़ी लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल जहाँ से हम लोग ने नाश्ता किया था वहीं लेकर आया हूँ लौंडे को। लौंडे कह रहे कि जलेबी खानी है, तो आज सिक्किम में हम जलेबी खाएंगे, सिक्किम की जलेबी। हेलो ओयो 15 होटल। अच्छा ओयो भी है भाई। ओयो ना बोलना भाई, वो मत चले भी जलेबी खाने। चलो भाई चलो, 1 किलोमीटर दूर हम जलेबी खाने आए हैं, देख लो भाई पहाड़ों के। सो गाइस ये आ गई है जलेबी, अंदर बहुत भीड़ थी तो हम लोगों ने बाहर आके खाना का सोचा, ये भाई और हम खा रहे हैं जलेबी। और ये देखो गैंगटॉक की मार्केट, MG मार्केट में जलेबी के मजे, ये देखो भाई, मतलब पहाड़ में गर्मा गर्म जलेबी खाने का ना मजा ही कुछ और है। तो भाई इस तरह से आप यहाँ मार्केट घूम सकते हैं शाम को, बहुत मज़ा आता है, काफ़ी हैपनिंग रहता है, और पूरी मार्केट ऐसे सजा के रखते हैं, क्योंकि जैसे दिवाली के टाइम में नहीं सजा रहता है, वैसे पूरा हमेशा ही सजा रहता है, और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब अलग ही तरह की वाइब्स आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस अभी हमने सामने वाली शॉप से एक स्वेटर खरीदी है, तो भाई बताएंगे भाई कैसी क्या रेट पड़ी स्वेटर आपको यहाँ पे? मुझे 1200 की पड़ी है।
1200। हाँ तो मतलब सही रेट है यहाँ पे आपके वहाँ के अकॉर्डिंग? इतना नहीं लेकिन वर्थ लग रहा है मुझे, जो क्वालिटी इसकी दिख रही है उतना वर्थ दिख रहा है। सो गाइस हमने एक स्टॉल भी खरीद लिया यहाँ पर से जो 350 के करीब हमें पड़ा है, और स्टॉल है ना, स्टॉल ले लिया और स्टफ भी अच्छा है, तो मतलब इकोनॉमिक रेट है, आप चाहो तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। खाने में हम खा रहे हैं फूड कॉर्नर में दाल और चावल, बिकॉज हमने जलेबी खा ली थी, थोड़ा हैवी हो गया था। और ये देखो भाई लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं हमारे, मस्त एकदम। ये भाई पता नहीं देखना, आंखें लाल क्यों लग रही है पता नहीं, लक्षण सही नहीं लग रहे भाई के। सो गाइस खाना वाना हमने खा लिया है, तो हम लोगों ने खाना खाया है फूड कॉर्नर में जो कि MG मार्केट जस्ट नीचे पड़ता है बगल में, उसके सामने एक रेड मिर्ची मसाला, क्या था वो रेड मिर्ची मसाला था ना, एक और रेस्टोरेंट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फूड कॉर्नर ठीक था, खाने की क्वालिटी अच्छी लगी हमें, और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अपने अपने होटल में। तो आज ये कल लोग ये लोग अपने 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 घर चले जाएंगे यहाँ से सिलीगुड़ी, और उसके बाद कोई मध्य प्रदेश कोई यूपी, तो आज इनको यहीं से अलविदा कर देते हैं और कल फिर अपनी दूसरी नेक्स्ट जर्नी पे निकलेंगे। ओके गाइस यार काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ, थैंक यू है ना, काफ़ी फन किया, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कभी घूमते फिरते। उन्होंने बोला फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं होगा। तो अभी मैं फोटो की दुकान ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है बटरफ्लाई वाटरफॉल जो कि यहाँ पे फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक के फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। ठीक है बढ़िया से फॉल्स दिखा के आप लोगों को लाचूंगी में जाके रुका देंगे, ठीक है थैंक यू। जहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हो गई है, और मतलब सो गाइस यहाँ पे मेरे कुछ नए दोस्त बने हैं।